अब हमने ठाना है शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फर्स्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता, क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फर्स्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 22 में मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मोहताज हैं लोग। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी का सगा नहीं है। राजनीति अखाड़ा छोटा हो या बड़ा, लेकिन अखाड़ों में उतरने वाले भी बहुत होते हैं। राजनीतिक अखाड़े में सामने खड़े प्रतिद्वंदी पर हर कोई नए नए हथकंडे अपनाता है, लेकिन जो सफल रहता है उसके सर ताज सज जाता है। मानो फिर तो कई नेता ऐसे बन जाते हैं जो अपने मुकाबले किसी को कुछ समझते ही नहीं, लेकिन वही कुछ ऐसे नेता होते हैं जो जनता की समस्या को अपनी समस्या मानकर चलते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। वार्ड भ्रमण के इस कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 22 की जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड के अंतर्गत क्री मोहल्ला, नयावास मोहल्ला, खिड़की मोहल्ला, स्याई वाली गली, खल्लो चाय वाली, क्री नई बस्ती, बड़ा पीर, नूरेमान ठेकेदार वाली गली रहने वाली आबादी आती है। पूर्व में ये आबादी वार्ड 30 में शुमार थी। उस समय इस वार्ड में पार्षद शांता शर्मा थी। इस वार्ड की जन आबादी लगभग 7000 है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1650 है। धौलपुर शहर के पुराना शहर स्थित इस वार्ड से इस बार चुनाव में कांग्रेस से किशन सिंह, BJP से अकील कुरैशी और बसपा से हरिओम सविता तथा निर्दलीय के रूप में दो और प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस के किशन सिंह के सर जीत का ताज पहना दिया। इस वार्ड की खास बात यह है कि यहाँ हर बार कोई न कोई नया ही चेहरा सामने आता है। जानकारी के अनुसार पहले BJP, फिर बसपा और उसके बाद अब कांग्रेस का प्रत्याशी इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि पुराना तो पुराना ही होता है। ऐसा ही देखने को मिला पुराने शहर के इस वार्ड नंबर 22 में। यहाँ के निवासियों से हमारे संवाददाता प्रिंस परमार ने बात की तो वार्डवासियों ने बताया कि इस वार्ड में कभी किसी भी पार्षद या जिम्मेदारों ने कोई काम नहीं कराया। यह वार्ड पुराना है तो पुराने की तरह ही बनकर रह गया है। इस वार्ड में कहीं सफाई व्यवस्था का कोई नाम नहीं है तो कहीं पेयजल का संकट छाया हुआ है। छोटी छोटी गलियों में सीवर तक नहीं है। पीने के पानी के लिए कनेक्शन है, लेकिन काफ़ी दूर से है तो वह पाइप नालियों से होकर गुजर रहे हैं, जिसके चलते नालियां चौक पड़ी हैं और निचली गलियों में जल भराव की समस्या काफ़ी है। अब आप खुद ही सुन लीजिए वार्ड की जनता की जुबानी, वार्ड की जमीनी कहानी। नाम का है तुम्हारा? ममता। वार्ड नंबर कौन सा? 22। क्या समस्या है? अरे यहाँ तो नए वास में पानी की लैन नहीं है, तो पानी की परेशानी है, गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, तो एक साल हो गई, साल भर से गंदा पानी आ रहा है उनको। पानी के अलावा और क्या समस्या है? बस यही है, वही लाइट की दिक्कत रहती है। लाइट की दिक्कत क्या रहती है? आती आती खराब हो जाती है, देर में सुनवाई होती है। आपने जो वोट दिए हैं मेंबर को, उससे आपने शिकायत नहीं की है? उनसे कहते हैं, ये सुनवाई हो ही नहीं रही है। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी। वार्ड नंबर कौन सा है? 22। क्या समस्या है? लेन खराब है, जो गंदा पानी आ रहा है। कौन सा पानी गंदा है? पी आवती ना, जब कभी आता है। अच्छा, और क्या दिक्कत है? लाट खराब है, आते तो लाट ना संवारे आता ही। अच्छा, फिर पार्षद ना कहते तुम? समझते कहते, कोई सुना सेठी नहीं करता है। लेन खराब डर गया, सब कम तो फूट रही, कम तो कट रही है। नाम आपका? भगवती। वार्ड नंबर? 22। क्या समस्या है वार्ड की? समस्या सब गली की समस्या पूरी है, सीवी लाइन आदमी गली नहीं है, कैसे करें। अच्छा अच्छा अच्छा,
और इसके अलावा पहले जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया, कोई नहीं किया है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद आपके क्या काम कर रहे हैं? मौजूदा जो पार्षद हैं वर्तमान, अब वो अभी बने हैं, पता पड़े क्या करेंगे। मेरा नाम दिलीप सिंह है, वार्ड नंबर 22 से हूँ और इस समस्या को समाधान करें। क्या समस्या है वार्ड? इसमें समस्या ये है, निकलने दिक्कत में खड़ी हो जाती है, पानी भर जाता है गली में। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है, गंदगी फैल रही है, इसमें बदबू आती है, जो सफाई करने वाले आते नहीं है, नगर पालिका से कोई आता नहीं है। आते हैं तो वो उनसे कहते हैं, तो सदामा जी से कहते हैं, तो वो तो जो कह देते हैं हाँ करा देंगे। ये समस्या है इसमें निकलने करने की सबसे ज़्यादा। और पहले पार्षद रहे हैं, उनसे भी कही है तो वो भी नहीं कर पाए, अब आए हैं तो इनसे कह रहे हैं तो वो समस्या को कहते हैं कैसा कराऊँगा, तो करा रहे हैं। मेरा नाम राकेश है, राकेश कुमार, वार्ड नंबर 22 है। क्या समस्या है? समस्या ये है, गली में गंदगी ज़्यादा होती है, सीवर लाइन है इसमें, पानी भर जाता है बरसात में। उसमें लेटरिन बना लिए लोगों ने, छोटी सी नाली में कनेक्शन कर लिए, तो गंदगी बहुत होती है इसमें, निकल नहीं पाते हैं इसमें। पहले जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया था? उन्होंने कुछ नहीं करवाया, जो पसंद करवाया था वो थोड़ा सा वहीं, फिर वो बेकार हो गया। अभी नए पार्षद बने 8 महीने से कुछ काम करवाया उन्होंने वार्ड में? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ इसमें, देख लो अभी कहाँ हुआ, तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, पहले तो सिवर लाइन करवाओ। क्या नाम आपका? नाम बच्ची हुआ साहब। वार्ड नंबर 22। क्या समस्या है वार्ड में? ये गली खराब है साहब, सिमलेट नहीं है, यहाँ में देखो गंदगी क्या हो रही है। पहले पार्षद से कही नहीं थी आपने? पहले कही साहब, कोई सुनाई नहीं थी। अब के जो नए पार्षद, अब नए पार्षद बैठा रहे हैं, करेंगे सब होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना लाल। अच्छा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 22। अच्छा, यहाँ की वार्ड की क्या क्या समस्या है आपके? हमारे वार्ड में एक तो ये फर्श वगैरह हैं नीचे हैं, काफ़ी समय हो गया बने हुए, काफ़ी दिनों से नहीं बन पाए। हमने अब जो नए साथ पाँच सात मेंबर साहब बने हैं, इनसे हमने कही है तो इन्हें कही थी कि साहब अब तुम्हारा बनवा देंगे। पुराने पार्षद नहीं कराए सर? नहीं करा पाए सर। मैं वार्ड नंबर 22 का पार्षद प्रत्याशी हरिओम सरदा बोल रहा हूँ, जो कि बाढ़ की समस्या से लोगों को अवगत करा रहा हूँ। जैसा कि बाढ़ में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ की सफाई कर्मी प्रतिदिन नहीं पहुँचते हैं और उस मोहल्ले में गंदगी ढेर लग जाते हैं, नालियाँ गंदगी से बजबजा उठती हैं और इस बाढ़ में शाम होते ही कई शराबी शराब के नशे में धुत होकर गलियों में घूमते हैं, जो लोगों से गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इस बाढ़ में सुबह से लेकर शाम तक कई मोहल्लों में जुए के फर्श सजे रहते हैं, जहाँ की लोग हार जीत का दाव लगाए हुए देखे जा सकते हैं। इस बाढ़ के कई लोग ऐसे हैं जो संपन्न होते हुए भी मजदूरी कार्ड बने हुए हैं, जो सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठा रहे हैं। इस बाढ़ के लोगों का आरोप है कि इस बाढ़ का जो राशन डीलर है वह आए दिन लोगों को राशन ना होने का हवाला देकर लौटा देता है और वह नियमित रूप से अपनी दुकान को समय पर नहीं खुलता है। पार्षद किशन सिंह, वार्ड नंबर 22। हमने सब काम की तैयारी कर रहे हैं, लिखित में दे दी हमने चेयरमैन को, हमें तो काम चाहिए पूरा, और पहले पार्षद ने कोई काम किया नहीं है। ये जो हमारी बाधा है, सब काम को करके देंगे। क्या क्या समस्या है वैसे आपके वार्ड की? एक गली में घरियों की व्यवस्था है, नालियों में पानी भर जाता है घरों में, और एक नए बांस में पानी की कमी है, फ्री में कमी है पानी की, और फ्री में सेवल लेने की परेशानी है। ये हमको सब चाहिए। बाकी पहले जो पार्षद थे उन्होंने कुछ काम कराया? कोई काम कराया ही नहीं है पहले पार्षद ने। फिर उनसे किसी भी चीज़ की कोई शिकायत या कुछ ऐसा नहीं कहा था उसने? पार्टन पर हमने कोई शिकायत करी नहीं, हम अपने बिते रहे थे, बाट बारी ने कोई नहीं शिकायत करी नहीं है। हमने पुराना काम दिखवाया कि चलो पुराना काम होगा तो बाग हम निकलवा गए करवाएंगे, तो मैं लिस्ट ने करवाई, पुराना काम कोई है नहीं, सब हो चुका है।
रकोट में हो चुका है, वैसे बाट में हुआ नहीं है। धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन